तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं सेंट्रल आइडिया क्या होता है, कैसे याद करें, याद नहीं हो रहा है, सब कुछ आज इस वीडियो में हम आपको क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों बने रहिए पूरे वीडियो में, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल आइडिया क्या होता है। दोस्तों सेंट्रल आइडिया वो होता है किसी लेसन का, किसी भी कहानी का जो निचोड़ होता है उसे सेंट्रल आइडिया कहते हैं। किसी भी कहानी के निचोड़ को सेंट्रल आइडिया कहते हैं। मान लीजिए आपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डाली, तो वीडियोस का निचोड़ जो होगा, वीडियोस में क्या बताया है आपने, उसको निचोड़ बोलते हैं। तो उसके निचोड़ को हम लोग वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। तो उसी प्रकार से जो इंग्लिश में सेंट्रल आइडियाज होते हैं, इंग्लिश में सेंट्रल आइडियाज आते हैं लिखने के लिए, तो हमारा जो लेसन होता है उसमें जो बताया गया है उनका जो निचोड़ होता है उसको हम सेंट्रल आइडिया बोलते हैं। सेंट्रल आइडिया क्या है, मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा सेंट्रल आइडिया याद करें। ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, कौन सा सेंट्रल आइडिया याद करें। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गिनी चुने इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया जो हर साल आते हैं। हमको दो सेंट्रल आइडिया लिखने पड़ते हैं, तो दोस्तों मैं तीन सेंट्रल आइडिया आपको बताऊंगा। अगर कुछ भी मदद हो सके तो मेरी। तो दोस्तों पहला सेंट्रल आइडिया है जो कि हर साल आता है, द फाउंटेन। ये सेंट्रल आइडिया हर साल पूछा जाता है कंपटीशन में, हर साल हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में आता है द फाउंटेन। दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में आए इस साल भी, क्योंकि हर साल पूछा जाता है। दूसरा सेंट्रल आइडिया द नेशनल बिल्डर्स, ये भी हर साल आता है, इम्पोर्टेंट है सेंट्रल आइडिया। अगर आपको अच्छा लगता है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। और तीसरा है द विलेज सॉन्ग, ये भी सेंट्रल आइडिया इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो, आपके काम की रही हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।